किते जीने दा शहल नजारा साड़ी अखियां दा तारा ओ साड़ा डुगर देश प्यालो सुदमा दे बचने नी परमंडल उत्तर वैनी उथे नित नित मेले लग दे उथे नित नित मेले लग दे पीरी नचदा है डुगर सारा दे नरली मिली पाई हिंदू मुस्लिम सिंह गए साई वहा खड़ी एकता बड़ा भाईचारा सुखराम और बड़े हकीकी निधि की और सज्जन मित्र रिश्तेदार समस्त डुगर दा माने जी एज अ टोकन ऑफ लव थैंक्स सर शुक्रिया इस आपने मिसाल बन दिया और हमको बेस्ट विशेस देते हैं आपको माता रानी जो है नमस्कार जी, मेरा नाम रमालो राम है, मेरे गांव का नाम अमरोह है। छोटी सी पवित्र धरती है जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे छोटे छोटे पहाड़ हैं, चारों तरफ जंगल झाड़ हैं, ठंडा पानी है, गाड़ियां चल रही हैं, बिजली है, पानी है। तो इतने दूर इलाके में हमारी सरकार ने लोक कला को बहुत बड़ा सम्मान देने के लिए मुझे मेरे गांव में जाकर ढूंढा। ये मेरी भारत सरकार का बहुत बड़ा उपराला है हमारे लिए और हमारी कला के लिए। तो मान योग राष्ट्रपति जी का, मान योग प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हम समस्त डुगर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की गवर्नमेंट में जिसमें एलजी साहब का और इसके साथ साथ एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने हमारी कला को दूर तक ले जाने के लिए कलाकारों को शाबाश दी है और नौजवानों के लिए एक खुला मैदान दिया है। तो हम इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले समय भी हमारे नौजवान कलाकारों के लिए, हमारे रामनगर के लिए, हमारे जम्मू के लिए बढ़िया साधन हमारे लिए उपलब्ध करवाएंगे। जी, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि रुमालो राम जी को पद्मश्री के लिए चुना गया है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ये मैं कहता हूँ कि डुग्गर प्रदेश के हर परिवार के बेड़े में, आंगन में बहुत खुशी है, क्योंकि ये सारे का सारा सम्मान जो है ये माँ बोली डोगरी को मिला है और ख़ासकर डुग्गर की लोक कला को पहली बार। मैं तो समझता हूँ कि शायद देश भर में कहीं मिला होगा, लेकिन डुगर की लोक कला के लिए गीत संगीत हमारे गीतड़ू और पाख इसके साथ त्रोड़ के कुड जातर गुगैल इसके लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए जो मान सम्मान दिया है ये हमारी सरकार का बहुत बड़ा ही हमारे ऊपर आभार है, क्योंकि अब हमारी ये कला और आगे बढ़ने वाली है। और मैं भी ये कहता हूँ कि हमारी भी अब और जिम्मेवारी बनेगी। मैं पहले से ही जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन आगे भी जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा हूँ। पहले सरकारी नौकरी के साथ साथ करता था, अब तो मेरा एक ही मिशन है, मिशन माँ डोगरी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी भारत सरकार का, मानयोग नरेंद्र मोदी जी का और राष्ट्रपति जी का, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पहली दफ़ा लोक कलाकार को हमारे जम्मू के क्षेत्र में एक ये सम्मान मिला है। तो मैं आने वाले कलाकारों को भी यही कहती हूँ, जो हमारा यूथ है, जो हम मिलके काम कर रहे हैं, उनको भी यही कहना चाहती हूँ कि इसी तरह से अपनी माँ बोली की सेवा करते रहिए और अपनी कला के क्षेत्र में काम करते रहिए, क्योंकि आदर सम्मान जो है मुझे लगता है सरकार ने आपकी तरफ पूरा ध्यान दिया है, पूरी तवज्जो दी है, तो हमारे सर पर भी और हमारे कंधों पर भी ये एक कहते हैं कि जिम्मेवारी है कि आपको और अच्छे तरीके से अपनी माँ बोली के लिए काम करना है, अपनी कला के लिए काम करना है। मैं अपने गांव के लोगों से यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और
पद्म श्री एक ऐसा अवार्ड है, ये फोर्थ सिविलियन अवार्ड है हमारे भारत का, और बहुत चुनिंदा लोगों को उनके क्षेत्र में काम करते करते, वो मुझे ऐसे लगता है कि ना जाने कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी पूरी उम्र अपनी काम करने में, मतलब काम करने में दे दी है, और उसके बाद उनको मिलता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि जम्मू के फोक कलाकारों को मिल रहा है, कश्मीर के अलग अलग लोगों को मिल रहा है, और जम्मू कश्मीर के दो लोगों को मिला है, और जम्मू में मेरे पिताजी श्री रुमालो राम जी को मिला है, जो कि फोक कलाकार में, फोक लोक संगीत में अपना काम कर रहे हैं, खास करके गिटड़ू में और पाख में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो डोगरी लोक कला है वो आपको आदर सम्मान ज़रूर देगी, आप ऐसे ही अपनी कला के साथ जुड़े रहिए।